देखिए दोस्तों, ये है वे चरण पादुकाएं जिन्हें तुलसीदास जी स्वयं पहना करते थे। ये आज एक आश्चर्य का विषय है कि कई सौ वर्षों से ये लकड़ी आज भी ऐसी की ऐसी है। ये तुलसीदास महाराज जी द्वारा पूजित शालिग्राम है। हाँ जी हाँ, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार का मैं अपना अहोभाग्य सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज देखने का और आपके हाथ से इसको दिखाने का दर्शकों को मौका मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारतीय संस्कृति के एक महान साधु संत जिनका नाम है तुलसीदास, उनकी जन्मभूमि को दिखाने। ये जगह है राजापुर, ये जिला है चित्रकूट और राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है यमुना नदी, ये है प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में जाकर मिलती है। ये ऊपर देखेंगे, ये वो मंदिर की है। यहाँ पर तुलसीदास जी का घर हुआ करता था पैतृक पुराने समय में, यहाँ उनका जन्म हुआ है। चलिए आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं, उनके जन्म स्थान से जुड़ी शायद कोई निशानी हमें देखने को अंदर मिल सकती है। ये देखिए, ये है श्री तुलसी संत निवास। फिलहाल तो यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो पूजा आराधना करते हैं, वे रहते हैं। और श्री तुलसी जन्म कुटीर राजापुर चित्रकूट, यहाँ पर माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं फिलहाल ये किस हालत में है। महाराज जी कितने वर्ष से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं मंदिर में तुलसीदास जी? मुझे कम से कम 18-19 साल हो गए यहाँ पर जी। अच्छा, ये क्या हम क्या कहें, पूरा घर रहा होगा ये उस समय उनका? ये तुलसीदास जी महाराज जी का प्रसव कक्ष है, ये आपके सामने दिखाइए। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन ये मानी जाती है, जैसे महाराज जी ने बताया कि तुलसीदास जी की माता जी का प्रसव कक्ष है ये। माता क्या नाम? माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। हमारे आपके यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर बाबा जी की नाल गड़ी हुई है। ये जो कमरा भी दिखाया? जी हाँ, जिसे नरा कहते हैं, नाभि, जहाँ पर आप लोग विराजे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। ये तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ये ठीक इसी जगह बना हुआ था। ओ, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है जी। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये शिव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। तुलसीश्वर महादेव जी ऊपर लिखा हुआ है जी। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है। अच्छा, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, कृत्रिम है नहीं है, प्राकृतिक है जी। हाँ, दोनों सपना दे करके कालिंद्री से प्राप्त हैं। इनके जो प्रधान शिष्य थे गणपत रामदास जी महाराज, जिनकी शिष्य वंशावली में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है, तुलसीदास जी के शिष्य जी, उनको स्वप्न हुआ था। अच्छा, हाँ। तब ये दोनों, ये शिवलिंग जी और जी, ये प्रतिमा बाबा की वहां से मिली नदी से। कैसे प्राप्त हुई और कहां से प्राप्त हुई? तुलसीदास जी महाराज जी के जो प्रधान शिष्य थे गणपत रामदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज जी की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ, और एक नरसिंह अवतार सालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे, वो भी यही विराजमान है। तो दिखाएंगे आप हमें, आकर के दर्शन करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिखाइए महाराज जी। देखिए दोस्तों, आज देख लीजिए अपनी आंखों से, पूजी हुई प्रतिमा है। ये हमारा सौभाग्य है और आपको भी हमें दिखाने का एक बहुत बड़ा जबरदस्त सौभाग्य, जिसे हम कह सकते हैं वही प्राचीन सिंहासन है बाबा जी के टाइम का। ये तुलसीदास महाराज जी द्वारा पूजित शालिग्राम है। हाँ जी हाँ, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार का
मैं अपना अहोभाग्य सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज देखने का और आपके हाथ से इसको दिखाने का दर्शकों को मौका मिल रहा है। ये नरसिंह भगवान का मुखारबिंद है। अच्छा, गौर से देखें जी। ये मुखारबिंद है और ये शेर के खोपड़े में जैसा कलर होता बालों कली मत्थे में। अच्छा अच्छा अच्छा, आधा नर आधा सिंह। अच्छा, ये महाराज जी तुलसीदास जी यही रखते थे इनको, पूजा करते थे। झोली में डाल के, पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे वे जी। तो ये तो महाराज जी का तो देहावसान काशी में हुआ था। गणपत रामदास जी महाराज जो इनके शिष्य थे, इनके देहावसान के पश्चात तुलसीदास जी के जी हाँ, इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका और शालिग्राम भगवान की प्रतिमा, ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि इस बाबा जी स्वर्गवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार, तुलसीदास जी, जी पूरा बताएं, नाम बताइए दर्शक ताकि समझ में आए। ये आपने परिवार में आकर के बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का देहावसान हो गया, तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन तुलसीदास जी महाराज जी का नाम ले लेकर के रोते पीटते रहते थे। यहाँ तक कि कुछ घरों में अन्न जल का भी परित्याग हो गया। ये घटना बाद में हुई तुलसीदास जी के जी। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। एक हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ यमुना में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही शोक समुद्र में गोता लगाना शुरू। तब बाबा ने दोबारा स्वप्न दिया, तुलसीदास जी महाराज जी ने दोबारा स्वप्न दिया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले, जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई, नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होकर निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके वाल्मीकि आश्रम, इसके बाद चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में एक जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले तुलसी महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई तुलसीदास जी महाराज जी। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं आज यहाँ विराजमान, कालिंद्री से प्राप्त हुई और आज यहाँ सुशोभित है, विराजमान है। महाराज जी कुछ और जो ये रखे हैं हमारे चरण पादुका है, ये वो किधर है महाराज जी? तुलसीदास जी की, अद्भुत अद्भुत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई से जरा महाराज जी के साथ आकर हमें वो पूजनीय बहुत दुर्लभ रेयर वो वस्तुएं दिखाएं जो महाराज तुलसीदास जी से संबंधित हैं। ये देखिए, कोई अहोभाग्य हमारा सौभाग्य था कि आज राजापुर आने का अवसर मिला और दर्शकों आज आपको ये सब दिखाने का। देखिए दोस्तों, अपनी आंखों पर विश्वास करिए, यकीन मानिए, लोगों की कथनानुसार मान्यता अनुसार कई सौ वर्षों से यही वो चरण पादुका हैं जिन्हें तुलसीदास जी पहना करते थे।
महाराज जी लकड़ी की है, किस चीज की है? लकड़ी की है। हाँ। तीन जोड़ा पादुका है, एक 80 घाट में है। अच्छा। एक इनके मित्र थे टोडल मल। हाँ। एक उनके यहाँ है। अच्छा। और एक यहाँ है। ओहो, देखिए दोस्तों, ये है वे चरण पादुकाएं जिन्हें तुलसीदास जी स्वयं पहना करते थे। ये आज एक आश्चर्य का विषय है कि कई सौ वर्षों से ये लकड़ी आज भी ऐसी की ऐसी है। महाराज जी, कभी कुछ खोज पड़ताल हुई है किस लकड़ी की हो सकती है? नहीं, ये किस लकड़ी की है? काली पड़ गई है समय के साथ। तेल तेल और घी लगता है रोजाना। रोज रोजाना तुलसीदास जी की इन चरण पादुकाओं पर रोज तेल और घी का लेप होता है, ऐसा महाराज जी बताते हैं। ये किस समय होता है? सुबह शाम? सुबह। अच्छा। सुबह स्नान के बाद, बाबा का स्नान के बाद, शालिग्राम भगवान के स्नान के बाद जी, बाद में बाबा की पादुका की सेवा। ये परंपरा कैसे पड़ी इनको? तेल रोजाना स्नान करवाते हैं इनको, तेल और घी से स्नान करवाते हैं, और जल छिड़क करके तेल घी लगा दिया जाता है। ये परंपरा शुरुआत कैसे हुई? शुरू अब बाबा की पादुका है, खड़ा हूँ उनकी, तो उनकी चरणों के हम सेवक है। सेवक है तो आपका ये इस तरीके से शुभ तरीका है। ये देखिए दर्शकों, इस पर फूल से फूल रखे हुए हैं, पूरी इसकी बकायदा, जैसे महाराज जी ने बताया कि जल से इसको धोया जाता है, स्नान कराया जाता है, फिर इस पर तेल और घी का लेप करते हैं। ये परंपरा रोज सुबह होती है यहाँ पर। और ये महाराज जी तुलसीदास जी की, ये महाराज जी कितनी बड़ी प्रतिमा है? एक हाथ की प्रतिमा है, योगा आसन में है, पद्मासन में। हाँ, और कोई ऐसा अंग नहीं है जो अंग ना हो, हर अंग है। अच्छा जी हाँ, अद्भुत महाराज जी। ये इन पर भी जैसे तेल और घी कुछ लगाया हुआ है? रोजाना। क्या लगाया हुआ है? रोजाना स्नान के बाद शुद्ध गाय का घी या चमेली का तेल। अच्छा। शालिक राम भगवान की सेवा होती है जी, वही सेवा बाबा की भी हो जाती है। तो ऐसा करते करते इतना पोर्शन चिकना हो गया है। चिकना हो गया। बाकी जैसे कोई पत्थर काफी दिन से जल में पड़ा रहा हो तो धारा प्रवाह से कटाव निशान आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है जी हाँ। दोस्तों देख लीजिए आज खुद अपनी आंखों से, कई सौ साल पुरानी यमुना नदी में दबी हुई तुलसीदास जी की वो दुर्लभ और ऐतिहासिक प्रतिमा जो यहीं पर इसी घाट के सामने प्राप्त हुई थी। आंखें और तिलक श्रृंगार जो आप देख रहे हैं जी, ये बाद में श्रृंगार के रूप में लगवा दिया गया है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी ये मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा? संवत 1964 का बना हुआ है। संवत 1964 है तो ईस्वी कौन सी होगी? अभी ईस्वी आप जोड़ घटा लीजिए। ठीक है ठीक है, आइए महाराज जी बाहर देखते हैं एक बार। और ये जैसे क्या है, ये जैसे पत्थर वगैरह है ना, ये तो सब बाद के लगे होंगे, जो दीवार है अंदर की वे पुरानी है, छोटी ईंटों की। ये कमरा आज भी कच्चा है आपके सामने। अच्छा। और आपका पूरा मंदिर पक्का है? अरे वाह, यानी कि ये सबसे पुराना जो भवन है मंदिर का वो ये है। मंदिर का निर्माण कार्य जब शुरू हुआ बनने का, तो बाबा ने, तुलसीदास जी महाराज जी ने सपना में अपने शिष्यों से बताया कि मैं अपनी सरकार की समता का नहीं हूँ, मैं राम जी के बराबरी का नहीं हूँ, इसलिए मेरा कमरा यथावत रहने देना, अन्यथा मैं यहाँ से चित्रकूट चला जाऊंगा। अच्छा। तो मंदिर की सो न जाए इसलिए आगे पीछे से इकहरे ईंटे लगवा करके प्लास्टर करवा दिया गया। अच्छा अच्छा। कच्ची मिट्टी इसके अंदर आज भी मौजूद है। धर्म के प्रचारक थे, धर्म का मानस का पाठ करते थे तुलसीदास जी, तो इस वजह से जो है अकबर बादशाह ने कैद में डलवा दिया। अच्छा। बाबा तुलसीदास जी महाराज जी को जी। बाबा कहाँ रहा करते थे? चित्रकूट से ले गए। चित्रकूट रहा करते थे बाबा? हाँ, हरिहरपुर। हरिहरपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ अपने वहाँ रहा करते थे। अच्छा। तो वो वहाँ ले गए, उस कारागार में डाल दिया। काफी तादाद में बंदर इकट्ठे हो गए। अच्छा। चारों तरफ से घेर लिया। तो उनके गुरु ने बताया, अकबर बादशाह के गुरु ने, किसी संत को तुमने काल कोठरी में डाल दिया है, उसको तत्काल आजाद करो। अच्छा। तब उन्होंने फिर बाबा को आजाद किया। दोस्तों यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो वास्तव में एक बहुत पतली गली से यहाँ पर आने का रास्ता है, जिसमें लोगों के वाहन, ट्रैफिक और लोगों के सामान उस गली में रखे रहते हैं। सभी भक्तगणों को यहाँ आने में बहुत परेशानी होती है,
सभी की और मेरी भी पर्सनली ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस रास्ते को चौड़ा किया जाए और इस रजापुर में जो तुलसी जन्म स्थान तक जो रास्ता आता है उसकी कायापलट की जाए, क्योंकि यहाँ तक आने में इतनी असावधानी, इतनी दिक्कत होती है और यहाँ पर लोग सामान रखते हैं गली में। और महाराज जी ने बताया कि कई बार वो किसी से कोई वाहन जो किसी चीज़ से छू जाए तो लोग लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, जुर्माना लेते हैं, जुर्माना लेते हैं, लड़ने में आमादा हो जाते हैं। ये बात कृपया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं वो इस बारे में जरूर ध्यान दें।